चलो ओ इधर देखो, चलो केमिस्ट्री का इससे पहले वाले में तुम लोग का वो पूरा हो गया था क्रिस्टल का प्रकार, ठीक है। अब इस क्या टॉपिक है, अक्रिस्टलिक ठोस, ठीक है। क्रिस्टलिक हो गया खत्म, अब क्या बात करते हैं अक्रिस्टलिक ठोस का, ठीक है। तो अक्रिस्टलिक ठोस क्या इसे बोलते हैं, तुम लोग जो क्रिस्टल का परिभाषा जानते हो, क्या जानते थे क्रिस्टल का परिभाषा, क्रिस्टलिक ठोस का परिभाषा क्या था, क्या बोलते हैं वो, क्या बोलते हैं सही क्रम में सिर्फ एक लाइन या एक वर्ड को बदलना है, इसमें क्या हो गए उनके अव्यवीकरण, कौन कौन से अव्यवीकरण, अणु परमाणु या आयन, क्या हो गए त्रिविम में, त्रिविम लिखना जरूरी है ना, कि क्रिस्टल किसमें देख रहे हो तुम लोग, तीनों उसके विमा में देख रहे हो, ठीक है, थ्री डायमेंशन में देख रहे हो। तो त्रिविम व्यवस्था में ना हो, ठीक है, त्रिविम व्यवस्था में ना हो, साथ ही उनके कण निश्चित क्रम में ना हो, तो क्या होगा वो ठोस, अक्रिस्टलिक, अक्रिस्टलिक ठोस कहलाता है, ठीक है, अक्रिस्टलिक ठोस कहलाता है, मतलब त्रिविम में व्यवस्थित नहीं होंगे कहीं भी, देखो टेढ़ा मेढ़ा उसका रहेगा, ठीक, और उसके कण, ये जो कण दिख रहे हैं इन लोगों में क्या होगा, व्यवस्थित नहीं रहेगा, तो क्या कहलाएगा वो, अक्रिस्टलिक ठोस, ठीक। ये मुख्य पॉइंट है, इसको भी याद रखना, एक अक्रिस्टलिक ठोस पदार्थ कभी भी क्रिस्टलिक ठोस पदार्थ में परिवर्तित हो सकता है, क्या बोला, सॉरी नहीं हो सकता है, ठीक है, उल्टा बोल रहा था, ठीक है, क्या बोला, एक अक्रिस्टलिक ठोस पदार्थ कभी भी किसमें परिवर्तित हो सकता है, क्रिस्टलिक में, एक अधिकतम ताप देंगे, ठीक, एक ताप देंगे उच्चतम ताप जिसमें क्या बन जाएगा वो, क्रिस्टलिक, ठीक, जैसे कोयला, कोयला क्या बन जाएगा, एक निश्चित ताप में जाके हीरा बनता है, बनता है कि नहीं बनता है, दफन हुए हुए क्या रहता है, कोयला अवस्था में रहता है, लेकिन एक निश्चित ताप में क्या बन जाता है, हीरा बन जाता है, ठीक है, ताप वातावरण उसमें क्या बन जाता है, हीरा, तो उसका क्या है वो, क्रिस्टल बना सकते, लेकिन एक क्रिस्टल अक्रिस्टल में नहीं बना सकता, ठीक, इसको याद रखना, हीरा से तुम लोग कांच बना सकते हो क्या, नहीं बन सकता ना, तो इस चीज को याद रखना, ठीक है, जो छोटा है वो होशियार बन सकता है, लेकिन होशियार का था वो बन भी सकता है, उसके ठीक है, तुम लोग जैसे आदमी फ्री फायर खेलेगा बन जाएगा, ठीक। अब देखो इस चीज को याद रखना, इसमें आप एग्जांपल बताओ, तुम क्या क्या जानते हो, आप इस तरह उदाहरण बताओ, कांच, कांच, रबर, प्लास्टिक, चलिए तो बच्चा बता देता है, रबर, ठीक है, कांच, प्लास्टिक, है ना, क्यों, क्योंकि इन लोगों को गर्म करोगे तो आसानी से पिघल जाता है, ठीक है, गर्म हो जाता है, जो आसानी से गर्म हो गया क्रिस्टली, ठीक है, कोयला आसानी से गर्म हो जाता है क्रिस्टली, बर्फ क्यों बनती है, बर्फ, वो तो क्रिस्टल, नहीं नहीं उसको नहीं रह सकता, उसको क्रिस्टल मिलेगा भाई, क्यों, क्योंकि उसकी अवस्था के अनुसार है ना, जो उसका त्रिविम अवस्था निश्चित है, भले हो जाता है जल्दी, ठीक है, वो भी लेकिन होगा, लेकिन उसका जो अवस्था होता है H2O का वो निश्चित होता है, ठीक है। और इसमें देखो, चलो रबड़ भी जल्दी पिघल जाएगा, कांच भी, और ये लोग, अब मैं पूछ रहा हूँ उसको सामने बताना, क्रिस्टल ये क्या, क्रिस्टल चट्टान क्या होगा, चट्टान अक्रिस्टल क्या होगा, अक्रिस्टल, क्यों, निश्चित ताप देंगे तो कुछ पिघल, पिघलेगा नहीं, गर्म हो जाता है, और दूसरा बात उसका आकृति निश्चित नहीं रहता, ठीक है, हर चट्टान का निश्चित है, क्योंकि अगर टुकड़ा भी तोड़ेंगे ना तो अलग अलग, हाँ गुड, ठीक है, तो चौथा क्या है, चट्टान, चट्टान पत्थर हो गया, चट्टान से मार गया, चलो मनुष्य किस में आएगा, मनुष्य क्रिस्टली में आएगा, क्या क्रिस्टली, हड्डी की संरचना क्या होती है, कोई हड्डी छोटा, कोई हड्डी बड़ा, कोई हड्डी और लंबा, ये सब चीज क्या है, अलग अलग होगी, नहीं होगा, इसको याद रखना, ठीक है, ये क्या होगा, हड्डी, ठीक है, हड्डी बोले मानव शरीर बोलो, मानव शरीर, ठीक है, तो ये भी उदाहरण हो गए, ठीक। अब उसके बाद बात करते हैं इसका गुण, समझ आ गया ना, उसमें क्या रहेगा, भिन्न भिन्न,
उसका अवस्था क्या होगा, भिन्न भिन्न। अब गुण देखो, जैसे क्रिस्टली का गुण देखे थे, अब आप क्रिस्टली, अगर दोनों का गुण याद है तो दोनों उसका डिफरेंस बना सकते हैं। ठीक, तो पहले बात करते क्या है, पहला वाला आप क्रिस्टली ठोस प्रत्येक लघु, क्या बोला मैं, प्रत्येक लघु आप क्रिस्टली की विशेष संरचना होती है, कई सारे छोटे छोटे, क्या बोला, कई सारे छोटे छोटे आक्रिस्टली में क्या बनाते हैं, बड़े आक्रिस्टल का निर्माण करते हैं। ठीक, और इसमें तुम लोग को बोला था इसकी आकृति क्या होगी, त्रिमित आकृति, भिन्न भिन्न। जैसे ये पहला वाला क्रिस्टल था, ठीक है, आक्रिस्टल थे, अब इसके सिध में आना चाहिए था, अगर क्रिस्टल बनना है तो इसको क्या आना चाहिए था, सिध में, लेकिन ये क्या चले गए, पीछे चले गए, तो इसकी व्यवस्था क्या हुई, अलग अलग हुई। जैसे ये समझ नहीं आता था नीचे वाला देखो, इसका कैसे बना था, ऐसे बनना था सीधा सीधा, ठीक है, पर ना बने क्या चले गए, पीछे तरफ बनाने की, तो इसकी व्यवस्था क्या है, अलग अलग। और हम लोग क्रिस्टल में क्या देखे थे, कैसे बनता था क्रिस्टल में, ऐसे बनता था और इसी के क्रम में इस तरह में किसी दिशा में क्या बनता था, दूसरा वाला बनता था कि नहीं बनता था, ये क्या होता था क्रिस्टल, और ये क्या बनेगा आप क्रिस्टल। ठीक, और इसके अव्यवीकरण देखो, ओ अव्यवीकरण को देखो, देखो ये ए बी ए बी ए, ठीक, बी ए बी ए, देखो यहाँ पास ए का अवस्था देखो, ए का अवस्था देखो, इसके सिर में क्या किधर हो गया, टेढ़ा हो गया, यहाँ पास फिर बी, वैसे फिर उसके बाद ए बी ए बी, यहाँ पास ए को देखो, इसके सिर में क्या तिरछा हो गया, तो क्या हो गया इसका व्यवस्था, जो उसके अव्यवीकरण की व्यवस्था क्या हो गया, अलग अलग हो गया। अगर यहाँ पास मैं पत्थर मार दिया या ताप दे दिया तो भट से सब लोग नहीं करें टूटना चालू हो जाएगा, क्योंकि क्या है ये स्टेबल नहीं है, ये तैर इन दोनों ऊपर टीका है, अगर एक गिरा दे सब गिर जाएंगे, जबकि क्रिस्टल में क्या है सब व्यवस्थित है, अगर दो लोग गिर गए तो बाकी संभाल लेंगे, समझे, लेकिन इसमें क्या है कोई स्टेबल नहीं, हल्का से दोगे तो टूट जाएंगे, हाँ रबड़ को हल्का से दबाओगे पिघल जाता है, कांच को हल्का से मारोगे टूट जाएगा, टूटेगा नहीं टूटेगा, हीरा को मारोगे टूटेगा, समझे, तो ये अंदर होता है। उसके बाद दूसरा गुण क्या है, दूसरा गुण क्या बोलते हैं, क्रिस्टली ठोस में अव्यवीकरण के मध्य दुर्बल रासायनिक बंध है जिसके गलनांक क्वथनांक क्रिस्टली ठोस की तुलना में कम होते हैं। ठीक, मतलब इनके मध्य जो बंध पाए जाएंगे, जो बंध होगा बहुत दुर्बल होगा, क्या रहेगा दुर्बल, थोड़े से ताप में क्या हो जाएगा टूट जाएगा, दोनों को पता है जिसका बंध कमजोर है वो जल्दी टूटेगा, दुर्बल है, और जो प्रबल है वो उसका लेट से टूटेगा क्योंकि उसमें अधिक ताप रहेगा। ठीक, तो क्रिस्टल में क्या था, प्रबल था सब बॉन्ड, कुछ कुछ थे जो आने वाले थे लेकिन वो भी प्रबल थे, उससे भी यहाँ दुर्बल रहेगा इन लोग। ठीक, फिर उसके बाद क्या है, इसके शीतलनुवा प्रवाह कोणीय वक्र सतत होंगे, तुम लोगों को बता चुका था क्रिस्टल में क्या होगा असतत, क्यों, क्योंकि उसमें ताप जो भी दोगे भिन्न भिन्न होगा, एक टूट जाएगा फिर अन्य क्रिस्टल को तोड़ने के लिए क्या करना, और ताप धीरे धीरे बढ़ेगा घटेगा, ऐसा था, इसमें क्या मिलेगा सतत मिलेगा, सतत मतलब ऐसा या ऐसा ये मिलेगा, क्यों, इसमें देखो अगर ये टूट गया, ये वाला अवस्था टूट गया, धीरे धीरे पूरा टूट जाएंगे, तो क्या होगा, एक साइकिल को मारूंगा पूरा साइकिल गिर जाएगा, हाँ वही ताप में, एक निश्चित ताप में पूरा क्रिस्टल पिघल जाएगा। ठीक है, तो इसमें ताप क्या होगा निश्चित, इसमें वक्र क्या पाया जाएगा सतत। ठीक, फिर उसके बाद नीचे वाला देखो आप क्रिस्टली, सॉरी इसका गुण क्या होता है, स्तंभ जैसे, ये एक ही अवस्था में होंगे, कांच है तो कांच अवस्था में रहेगा, ठीक है, कांच की अवस्था में रहेगा, टूटा मतलब पूरा टूटेगा, वैसे कांच ही रहेगा। ठीक है, और ये क्या है, स्तंभ जैसे गुण हो गया। ठीक, क्रिस्टली ठोस पूर्ण ठोस में पूर्ण आवृत्ति होती है और नहीं, क्रिस्टली ठोस में अव्यवीकरण निकलेगा, ठीक है, अव्यवी कणों की, कणों अव्यवी कणों की पुनः आवृत्तियां होती है और नहीं, मतलब इसमें क्या हो रहा है, जैसे ये ए आया तो ये बी आएगा, फिर ए आया फिर बी आएगा, ऐसा भी हो सकता है, या तो ये भी हो सकता है, कैसे कहीं ए आया फिर बी आएगा, ए आएगा फिर ए आ सकता है, एक जैसे, या तो फिर ए आया तो बी आएगा फिर ए आ सकता है फिर बी आ सकता है, मतलब क्या है, इसमें बराबर भी हो सकता है
अल्टरनेटिव इसमें अल्टरनेट चल रखा है, वैसे भी हो सकते हैं या तो सेम सेम भी हो सकते हैं। उसमें क्या है, एक जैसा ही आएंगे भाई।